बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के चाहने वाले करोड़ों फैंस उनकी अगली फिल्म के ऐलान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन किंग खान ने बीते साल रिलीज हुई फिल्म जीरो के बाद से अभी तक अपनी अगली फिल्म के बारे में कोई ऐलान नहीं किया। ऐसे में उनके चाहने वालों के बीच ये एक्साइटमेंट लगातार बनी हुई है कि बॉलीवुड के बादशाह अब अपनी अगली फिल्म को लेकर कब ऐलान करेंगे। हाल ही में शाहरुख खान ने मशहूर टीवी जर्नलिस्ट राजीव मसान को दिए इंटरव्यू में अपने फ्यूचर प्लान के बारे में दिल खोल कर बातचीत की। एक्टर ने इस दौरान बताया कि फिलहाल उनके हाथ में कोई फिल्म नहीं है, हाँ लेकिन वो अभी आगे की अच्छी फिल्में जरूर करना चाहते हैं। शाहरुख खान ने बताया कि फिलहाल वो अपने प्रोडक्शन के तले बन रहे प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन इस इंटरव्यू में शाहरुख खान ने ये ज़रूर कहा कि वो नेक्स्ट फिल्म एक्शन ड्रामा करना चाहते हैं। एक्टर ने कहा, मैं एक एक्शन फिल्म करना चाहता हूँ, मैं कुछ बॉलिंग्स और मारपीट वगैरह करना चाहता हूँ जिसके साथ ही उनमें लगे कि मैं एक एक्शन स्टार हूँ, और मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिसे फैंस देखकर काफ़ी खुश हों। शाहरुख खान के फैंस उनका ये बयान सुनकर जरूर उछल पड़ेंगे। हालांकि बीते दिनों काफ़ी चर्चाएं रही कि शाहरुख खान अपनी डॉन सीरीज़ की अगली फिल्म करने वाले हैं, लेकिन ये महज अफवाहें साबित हुई। डॉन सीरीज़ की फिल्म को लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आया। हाँ, बीते कुछ महीने पहले ज़रूर शाहरुख खान को यशराज फिल्म्स के दफ्तर आते जाते देखा था, तब से फैंस ये आस लगा रहे हैं कि किंग खान धूम 4 में नज़र आ सकते हैं। तो क्या वाकई शाहरुख खान के इस बयान के साथ कोई बड़ा इशारा है? क्या किंग खान वापस से धूम 4 के साथ धमाका कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? क्योंकि काफ़ी समय से उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रही, इसलिए यशराज बैनर के साथ मिलकर क्या वो बड़ा धमाका कर सकते हैं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें देखो देखो, जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि ये मिलती है आपको बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले।